मंकी सिंह है, बांदा के रहने वाले हैं और ये हमारे भांजे हैं जो बांदा में इनको लिए थे। डॉक्टरों से मिले, दिखाए तो बोले कि बहुत क्रिटिकल है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमको रेजेंसी के बारे में जानकारी हुई तो हम रेजेंसी लेके आए। तो रेजेंसी में जैसे ही लेके आए तो वैसे बताया गया कि बहुत क्रिटिकल है केस, तत्काल इनको इमरजेंसी के थ्रू आईसीयू में लेना पड़ेगा। मैं डॉक्टर रश्मि कपूर, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर और पल्मोनोलॉजी की डायरेक्टर। वीर हमारे पास बहुत ही गंभीर अवस्था में आया था जब उसके सब ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था और उसके फेफड़े बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। वेंटिलेटर्स के हाईएस्ट पैरामीटर्स पे रखने के बाद भी हम उसके बॉडी में ऑक्सीजन युक्त ब्लड अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। हमने इनके सामने सुझाव रखा अटेंडेंट्स के सामने कि ECMO एक पद्धति है जिससे हम बच्चे की जान बचा सकते हैं, और इस हमारे सुझाव को मरीज के अटेंडेंट ने, मरीज के मामा लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने वीर को 7 दिन वेंटिलेटर के हाईएस्ट पैरामीटर्स देने के बाद फिर उसको ECMO में डाला। ECMO लेने के बाद फिर वेंटिलेशन में भी रखा गया। उसके बाद डॉक्टरों के थ्रू हमको बताया गया कि ECMO के बारे में जानकारी दी गई। ECMO में लेने के बाद हमें लगभग 11 दिन लगे उस बच्चे को ठीक करने में, जहाँ पर हमें कुछ समय लगा और उसके बाद से जब पेशेंट इम्प्रूव हुआ तो आज ये आपके सामने आज डिस्चार्ज कंडीशन में है। और आज हमको उसको डिस्चार्ज करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं अब मेरी इसका सबका श्रेय मेरी पूरी पीडियाट्रिक टीम, इंटेंसिव केयर टीम, कार्डियोथोरेसिक टीम को जाता है। ECMO के बाद हमारा भांजा एकदम स्वस्थ है और मैं पूरी डॉक्टर टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, खासकर रश्मि कपूर जी को थैंक यू, और जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए, उन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे बच्चे को आज खड़ा किया, और सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।